Hello everyone, a very warm welcome to all of you in my YouTube channel, the Biology channel. So today we are going to start a new topic, that is enzymology. So in this topic we will talk everything about enzymes. So enzymes हमको सबको पता है कि एक बहुत important portion है biochemistry का और इससे मिलते जुलते questions हर बार CSIR NET examination gate life science में आते रहते हैं. हम university level पर भी enzymes की study करेंगे, इसलिए मैंने इस video series में पूरा enzyme का सब कुछ cover किया है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम्स के बेसिक्स की. व्हाट आर द एंजाइम्स? सो हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, सबको पता है एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट. और एंजाइम्स को जो जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में जितनी भी रिएक्शन होती हैं, मेटाबॉलिज्म की लाइक एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, उन सब में एंजाइम्स हेल्प करते हैं, एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं. तो एंजाइम्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. एंजाइम्स कैटलिस्ट से डिफरेंट भी होते हैं और कुछ उसमें उनमें सिमिलरिटीज भी होती हैं. और एंजाइम सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो बायोलॉजिकल सिस्टम में ही पाए जाते हैं. एंजाइम्स को केमिकली हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स. सो वी विल टॉक लेटर अबाउट प्रॉपर्टीज इन डिटेल. एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स. हाउ एंजाइम्स इवॉल्व्ड एंड हाउ वी नो एंजाइम्स राइट नाउ that they exist as an important biomolecule. So हम enzymes के बारे में यहाँ पर पहले सबसे basic history की बात करेंगे, कैसे enzymes evolved हुए और enzymes की study enzymology कैसे establish हो पाई. So before starting that, let me introduce you to some very basic points that enzymes are proteins. ये हम सबको पता है कि enzymes majorly proteins होते हैं, but कुछ RNA भी as enzyme work करते हैं, उनके बारे में discuss करेंगे. तो एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, मोस्ट अप्रॉक्स 95% और 98% 99% ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. इनमें से एक तो एंजाइम्स आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम की तरह वर्क करते हैं. तो अब एंजाइम्स कैसे, एंजाइम्स की क्या हिस्ट्री रही है, एंजाइम्स की कब एंजाइम्स को साइंटिस्ट ने मेजर कब क्या हिस्ट्री रही एंजाइम्स की और कब साइंटिस्ट ने सबसे पहले एंजाइम्स की डिस्कवरी की. सो एंजाइम्स की डिस्कवरी स्टार्ट हुई 1833 से. 1833 में ये एक एपायन, ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे. ये एक्चुअली एक फ्रेंच शुगर फैक्ट्री थी, उसमें केमिस्ट एज ए केमिस्ट वर्क करते थे. सो इन्होंने डिस्कवर किया डायस्टेज एंजाइम. डायस्टेज एंजाइम को आजकल हम लोग एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं. डायस्टेज इज ए एंजाइम विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज. सो इन्होंने सबसे पहले डायस्टेज एंजाइम को डिस्कवर किया, विच इज नोन एज एमाइलेज nowadays. And इन्होंने ही एंजाइम्स के जो सफिक्स होते हैं उनमें एज लगाने को सपोर्ट किया. तब उस टाइम पर कोई भी हम लोगों को एज सच एंजाइम वर्ड नहीं पता था. इन्होंने एक एंजाइम डिस्कवर किया इवेंचुअली और उसका नाम इन्होंने डायस्टेज दिया. सो ये एक शुगर फैक्ट्री में केमिस्ट थे. फिर देन 1858 सम ईयर लेटर लुईस पाश्चर आए. लुईस पाश्चर का नाम हमने बहुत सुना है. लुईस पाश्चर हैज बीन नोन एज अ केमिस्ट, ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ए बायोलॉजिस्ट. सो लुईस पाश्चर ने बहुत सारे अपनी थ्योरीज भी दी हैं. जर्म थ्योरी जो आई थी, जो इन्वेजन की कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म पर जो डिजीज कॉज होती हैं वो इन्वेजन ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, वो जर्म थ्योरी थी, वो भी इन्होंने दी थी. इन्होंने ही फर्मेंटेशन के बारे में सबसे पहले बताया और इन्होंने कुछ वैक्सीन भी डेवलप की थी, जैसे रेबीज की वैक्सीन है, एंथ्रेक्स एंड चिकन कॉलरा, ये इन्होंने वैक्सीन की थी. ये काफी पॉपुलर नाम रहे हैं इन 19th सेंचुरी में, लुईस पाश्चर. सो लुईस पाश्चर ने इवन स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उसको भी इन्होंने डिस्प्रूव किया. आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जिसमें कुछ एस शेप्ड नली वाला बीकर यूज करते थे ऐसे. ये इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट भी ये इन्होंने लुईस पाश्चर ने जो थ्योरी दी थी वो इसी एक्सपेरिमेंट को लुईस पाश्चर ने ही परफॉर्म किया था. तो लुईस पाश्चर इज अ इम्पोर्टेंट नेम इन 19th सेंचुरी. सो इन्होंने ये बताया लुईस पाश्चर ने कि ईस्ट सेल होती हैं, जो ईस्ट सेल होती है उनमें कुछ वाइटल फोर्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्मेंटेशन कॉज करते हैं, जिनकी वजह से ईस्ट सेल में पावर होती है फर्मेंटेशन की. तो लुईस पाश्चर ने ये पॉइंट दिया
फर्मेंटेशन ईस्टर में किसी वाइटल पावर की वजह से होता है, उस वाइटल पावर को उन्होंने नाम दीजिए फर्मेंट्स। अब अगर हम आज की बात करें तो ये फर्मेंट्स किसको रिफर कर रहे हैं, एंजाइम्स को, ये फर्मेंट्स एंजाइम को रिफर कर रहे हैं। बट उस टाइम पर इन्होंने इन्हें ये नहीं पता था कि ये फर्मेंट्स एंजाइम्स होते हैं। इन्होंने उस उन एंजाइम्स को एक्चुअली उन्होंने वाइटल फोर्स कहा। वाइटल फोर्स मतलब हिंदी में जैविक शक्ति। सो फिर देन सम इयर्स लेटर विलहेम कूने, ये जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे और इनका मैंने काफी नाम सुना है। इन्होंने एक कूने ट्यूब दी थी, फिर भी हम लोग स्टडी करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, अभी भी जूलॉजिकल बॉडी एक्सपेरिमेंट में हम अभी उसको स्टडी करते हैं। सो इन्होंने सबसे पहले एंजाइम टर्म दिया। इस टाइम तक 1877 के पहले एंजाइम के बारे में कुछ बातें हमारे सामने आई थी, दैट इज एंजाइम्स। इन्होंने डायस्टेज डिस्कवर किया था, फिर उसके बाद इन्होंने वाइटल फोर्स बताया, बट किसी ने भी एंजाइम टर्म का यूज नहीं किया था। ही वॉज द वन हु एक्चुअली यूज्ड द टर्म एंजाइम। सो कूने, विलहेम कूने, एंड देन डुप्लॉक्स। डुप्लॉक्स ये 1883 में, 5 साल बाद, कूने के 5 साल बाद यह है। इन्होंने अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एंजाइम्स और एंजाइम से रिलेटेड स्टडीज बहुत बढ़ गई। तो 19th सेंचुरी के एंड में एंजाइम से रिलेटेड स्टडीज बढ़ गई। फिर उसके बाद डुप्लॉक्स 1883 में इन्होंने टर्म दिया एक्चुअली सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट वो सबस्ट्रेट रिएक्टेंट होता है एक तरह से, जो जिस पर एंजाइम वर्क करते हैं। तो जैसे डायस्टेज एंजाइम में स्टार्च सॉल्यूशन सबस्ट्रेट वर्क करता है और एमाइलेज वर्क करके उसको माल्ट में बदलता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। सो डुप्लॉक्स ने टर्म दिया था सबस्ट्रेट, और इन्होंने एडवोकेट भी किया कि जो ए पायन ने बोला था कि ए सफिक्स लगाए हम एंजाइम के नाम में, वो इन्होंने उस बात का भी उन्होंने सपोर्ट किया। सो बेसिकली ये दो चीज़ों के जाने जाते हैं, दैट इज कॉइनिंग फॉर कॉइनिंग टर्म सबस्ट्रेट एंड सपोर्टिंग एज एज अ सफिक्स फॉर एंजाइम और नॉमिनेचर ऑफ एंजाइम। देन हियर कम्स टू ब्रदर्स एडवर्ड बुशनर एंड एच बुशनर। ये दो भाई थे जिन्होंने ये देखा कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो हम लिविंग सेल के बाहर, मतलब जीस्ट का जो ईस्ट सेल्स होती है उनको हम एक्सट्रैक्ट निकाल लें, उनके एक्सट्रैक्ट से हम फर्मेंटेशन किसी कांच के बीकर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने बताया कि हमको लिविंग सेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब भी हम फर्मेंटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली में ईस्ट एक्सट्रैक्ट क्या था, वो एक तरह से एंजाइम भी थे जो फर्मेंटेशन परफॉर्म कर रहे थे। तो उन एंजाइम्स को उन्होंने नाम दिया जाइमेज। उस एंजाइम को उन्होंने जाइमेज नाम दिया। जाइमेज हम सबको पता है कि ये एल्कोहलिक मिक्सचर कन्वर्ट करता है, सुक्रोज को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। सो ये टू ब्रदर्स थे जिन्होंने फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाई ईस्ट एक्सट्रैक्ट बताया, और इन्होंने इवेंचुअली इसको नाम जाइमेज नाम दिया। फिर थोड़ा सा और एडवांसमेंट हुआ एंजाइम से रिलेटेड स्टडीज में। फिर साइंटिस्ट है एम एल फिशर। एमएल फिशर को हम जानते हैं, ही वाज केमिस्ट एक्चुअली एंड ही गॉट अ नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री इन 1906 में ही गॉट अ नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री फॉर डिस्कवरिंग फिशर एस्ट्रिफिकेशन। सो ही वाज अ पॉपुलर साइंटिस्ट बैक देन। तो इन्होंने ये जो उनको नोबेल प्राइज मिला था 1906 में, ये एक्चुअली एक रिएक्शन के लिए था, दैट वॉज फिशर एस्ट्रिफिकेशन। फिशर एस्ट्रिफिकेशन एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एस्टर बनाते हैं, एस्टर प्लस वाटर, और इसमें एज अ कैटलिस्ट यूज होता है एल्कोहल एंड आई थिंक स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कोहल यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, और एस्टर प्लस वाटर बनता है। एनी दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। मतलब ही वाज़ द वन हु एक्चुअली टोल्ड लॉ एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम काइनेटिक्स। तो एंजाइम कैसे वर्क करते हैं उसकी इन्होंने लॉ एंड की मैकेनिज्म दी। आज हमको सभी को पता है बहुत ही बेसिक मैकेनिज्म है एंजाइम की, कि कोई भी सबस्ट्रेट पहले एंजाइम की एक साइट होती है, उस साइट में सबस्ट्रेट बाइंड करता है, एज अ की बाइंड करता है, और तब उसमें प्रोडक्ट बनता है, फिर वो डिटैच हो जाता है प्रोडक्ट एंजाइम से। बहुत ही बेसिक मैकेनिज्म है लॉ एंड की मैकेनिज्म, बट एम एल फिशर ने इन्होंने डिस्कवर किया था। फिशर का नाम हम एक जगह और सुनते हैं, दैट इज जो फिशर प्रोजेक्शन जो दिए गए थे वो भी इन्होंने ही दिए थे।
So he was a very popular scientist on that time, at that point of time. So then comes the Petrand. इन्होंने term coenzyme coin किया. So इसके पहले जब तक enzyme की study हुई, सब लोग enzyme को सिर्फ proteinase part ही मान रहे थे. Actually कोने ने जब enzyme term use किया था, तब इन्होंने बताया था कि जो enzymes होते हैं वो proteinaceous molecules होते हैं और जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं. ये डिफिनेशन थी जो पुणे ने दी थी एंजाइम्स की. बट किसी को भी नॉन प्रोटीनेसिस पार्ट या एंजाइम्स प्रोटीन के अलावा भी कुछ एंजाइम हो सकता है उस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी. तो 1898 में बिट्रेंड वाज द साइंटिस्ट हु एक्चुअली गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कोएंजाइम. तो कोएंजाइम के बारे में जानते हैं कि कोएंजाइम जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है एंजाइम्स में, जो नॉन प्रोटीनेसियस ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो होता है कोएंजाइम. एंड दिस वन इज ऑपरेट फॉर फ्रॉम बेसिकली विटामिन एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. सो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में कोएंजाइम के बारे में. बट द पॉइंट इज बिट्रेंड 1898 ही गिव द टर्म कोएंजाइम. सो देन 1926 में जेम्स बी सुमनर इन्होंने आइसोलेट किया एंजाइम को यूरिएज को. सो ही वाज द फन यूरिएज was actually the first enzyme to be isolated and crystallized. इसके पहले कोई enzyme crystallized नहीं हुआ था और ना ही इतना isolate किया था. जो Wuschner brothers थे उन्होंने Zymase enzymes को extract के form में separate किया था, yeast extract. उन्होंने इसको crystallization नहीं किया था, but he was the first actually who isolated and crystallized urease enzyme. और इन्होंने urease को कहाँ separate किया था? That is Jacobin. जैकबिन बेसिकली एक फोडर होती है, ये अमेरिकन कंट्रीज में या वेस्ट में फोडर की तरह यूज किया जाता है जानवरों के खाने की तरह. सो उससे इन्होंने यूरिया एंजाइम को आइसोलेट किया था. और यूरिया एंजाइम वो एंजाइम है जो यूरिया हाइड्रोलिसिस को प्रमोट करता है. ये यूरिया से अमोनिया एंड CO2 रिलीज करवाता है, दैट इज NH3 एंड CO2. एग्जाम्पल में आज इसको पढ़ेंगे थोड़ा. और साथ साथ इन्होंने कैटलाइज को भी प्योरीफाई किया, मतलब जेम्स भी सुन रहा है वो इन्होंने दो एंजाइम्स को क्रिस्टलाइज किया था, दैट वाज यूरिएज एंड कैटलेज. कैटलेज उन्होंने 1937 में किया. सो कैटलेज वाज द एंजाइम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो डैमेज कॉज होता है उससे बचाता है, H2O2 को कन्वर्ट करता है वाटर प्लस ऑक्सीजन में. ये कैटलेज एंजाइम करते हैं. हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कैटलेज से रिलेटेड. सो कैटलेज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम, क्वाइट अ फेमस एंजाइम. सो देन नॉर्थरॉप एंड स्टैनले ने और नॉर्थरॉप ने क्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ये जो एंजाइम्स हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं. तो इन पर इन्होंने वर्क किया, क्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन पर. और इन्होंने ये बताया कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक नॉर्थरॉप एंड स्टैनले के पॉइंट ऑफ टाइम तो 1930 तक ये प्रूफ हो गया था कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन होते हैं. अब तक उसके पहले तक एक ये क्लियर नहीं था कि एंजाइम्स प्रोटीन होते, बट नाउ एट दिस पॉइंट इट वाज क्लियर दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन. तो एंजाइम्स आर प्रोटीन. सो और नॉर्थरॉप, स्टैनले एंड सुमनर इन तीनों को कम्बाइंड रूप से नोबेल प्राइज ऑफ 1946 मिला था इसी काम के लिए, एंजाइम्स के क्रिस्टलाइजेशन के लिए. तो इन्होंने टेक्निक दी थी प्रेसिपिटेशन टेक्निक फॉर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स, उसके लिए इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री मिला था इन 1946 में. तो हमने दो साइंटिस्ट पढ़े जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और एमिल फिशर, फिशर को मिला था फिशर एस्ट्रिफिकेशन के लिए. एंड दिस साइंटिस्ट एक्चुअली गॉट नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन एंजाइमोलॉजी, दैट इज सुमनर, नॉर्थरॉप एंड स्टैनले. सो नाउ इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही हैज गिवन द प्रेसिपिटेशन टेक्निक व्हिच इज वाइडली यूज्ड करेंटली फॉर द सेपरेशन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स. एंड देन केम दिस साइंटिस्ट कोशलैंड जूनियर. सो ही एक्चुअली टोल्ड अबाउट इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इसे जो थ्योरी या मॉडल इन्होंने प्रपोज किया इसके अकॉर्डिंग
इस मॉडल इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी एंजाइम्स होते हैं उनमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होता रहता है इन रिस्पॉन्स टू सब्सट्रेट बाइंडिंग। कोई भी सब्सट्रेट बाइंड करता है और एंजाइम में कन्फॉर्मेशनल चेंज करता है, शेप में भी और जब उसके ओरिएंटेशन में चेंज करता है एंड अल्टीमेटली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। सो इसको हम स्टडी करेंगे, ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल, लॉग एंड की मैकेनिज्म और भी फर्दर जो मॉडल्स हैं उन सबको हम स्टडी करेंगे लेटर ऑन। सो इन्होंने एंजाइम की रिएक्शन, एंजाइम रिएक्टिविटी या एंजाइम रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिक हिस्ट्री ऑफ एंजाइम और यही जो जितने साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया आर द साइंटिस्ट के बारे में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए रिलेटेड टू एंजाइम होमोलॉजी और इन्हीं सबकी वजह से इन्हीं सबके सपोर्ट से आज हम एंजाइम की स्टडी करते हैं। और फिर बाद में जैसे सबसे पहले मैंने पॉइंट बताया था कि एंजाइम को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है, अब एंजाइम्स भी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज होने लगे हैं और इन एंजाइम्स को हम एंजाइम्स कहते हैं। इनमें कुछ डिफरेंस होता है बट अगर देखें तो हाँ ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड एंजाइम्स हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एंजाइम और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा। तो बने रहे हमारे साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।